सिटीज़, वेलकम टू आर टाउन। आज का वीडियो मधुबनी पेंटिंग और उसकी स्टाइल्स के बारे में है। मधुबनी या मिथिला पेंटिंग इंडिया की ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स में से एक है, जो बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में बनाई जाती है। पहले ये वॉल्स पर नेचुरल कलर्स के साथ बनाई जाती थी, पर आजकल ये हैंडमेड पेपर, कैनवस, क्लोथ पर आर्टिफिशियल कलर्स के साथ बनने लगी है। इस पेंटिंग की 5 डिफरेंट स्टाइल्स हैं, जो मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट स्टाइल है कचनी। इस तरह की पेंटिंग में फाइन लाइंस का यूज़ होता है। खाली स्पेस को कुछ खास तरह के पैटर्न्स होते हैं, उनसे फिल किया जाता है। जनरली ये ब्लैक एंड वाइट होती है या फिर बहुत कम कलर्स का यूज़ इसमें किया जाता है। अभी मैं लोटस को फिल कर रही हूँ स्लैंटिंग लाइंस के साथ में। इसी तरह कचनी के बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, जो मैं आपको अपने आने वाले वीडियोस में शेयर करूँगी। कुछ पैटर्न्स कचनी के हैं, जैसे ये थोड़ा राउंडेड फॉर्म है, नेक्स्ट है ये वेवी पैटर्न, इसमें बीच बीच में डॉट्स भी लगाए जा सकते हैं। ये स्लैंटिंग लाइंस के साथ ये काफ़ी बनाया जाता है। स्लीपिंग लाइंस के साथ आप चाहें तो इसे फिल कर सकते हैं, नहीं तो हाफ स्लीपिंग हाफ स्लैंटिंग ऐसे भी हो सकता है। नेक्स्ट स्टाइल है भरनी स्टाइल। इस तरह की पेंटिंग आप देख रहे हैं कलर्स के साथ फिल होती है, बहुत सारे कलर्स यूज़ होते हैं और कलर्स का बहुत ही खूबसूरती के साथ यूज़ किया जाता है। फिगर्स को ब्यूटीफुल डिज़ाइन से डेकोरेट करते हैं। ये देखने में बहुत सुंदर लगती है क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। नेक्स्ट स्टाइल है गोदना स्टाइल। ये गोलाकार या सर्कुलर फॉर्म में होती है, जैसे मंडाला होती है सर्कल के फॉर्म में, उसी तरह से ये भी गोलाकार होती है। और सर्कल्स को फिल करने के लिए बहुत सारे पैटर्न्स का यूज़ किया जाता है, जैसे लोटस, पीकॉक, फिश, पैरट, एलिफेंट या डांसिंग गर्ल। इस तरह के बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। ये ब्लैक एंड वाइट भी होती है और कलरफुल भी रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टाइल है तांत्रिक स्टाइल। ये स्टाइल मधुबनी की दूसरी स्टाइल से डिफरेंट होती है। ये धार्मिक अनुष्ठान, तंत्र मंत्र, जादू टोना, इस पर बेस्ड होती है। इसमें महाकाली, महादुर्गा, महालक्ष्मी, गणेश जी, पंचमुख शिव, वर्धनारीश्वर, नैना योगिनी के चित्र होते हैं। ऐसा माना जाता है कि गोबर घर के चारों कोनों में इस तरह के चित्र वरवधु को बुरी नज़र से बचाते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। यहाँ पर मैंने ये श्री यंत्र बनाया हुआ है। नेक्स्ट स्टाइल है कोबर स्टाइल। इन पेंटिंग्स की थीम लव और प्रॉस्पेरिटी होती है। ये शादी ब्याह, फेस्टिवल्स जैसे होली, दिवाली, काली पूजा, उपनयन आदि अवसरों पर बनाई जाती है। जनरली इसमें राम, सीता, शिव, पार्वती के विवाह को दर्शाया जाता है। ये पेंटिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, थोड़ी डिटेल्ड होती हैं। एक ही पेंटिंग में बहुत सारे फिगर्स होते हैं, जैसे सूरज, चांद, कलश या फिर सीता जी की सखियाँ। मैंने यहाँ पर ट्रीज़ में के ऊपर एक पैरट को भी दिखाया हुआ है। बहुत डिटेल्ड होती हैं। इस तरह से आपने देखा कि मधुबनी की ये 5 स्टाइल्स हैं। आशा है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।